जिला परिषद परभनी, जिला परिषद परभनी का हम सीसी रोड का एस्टिमेट बना रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने मेजरमेंट शीट में 8 आइटम कंप्लीट कर लिए हैं। उसी तरीके से रेड एनालिसिस में भी हमारे 8 आइटम कंप्लीट है और अब्स्ट्रैक्ट की शीट में भी 8 आइटम हमारे कंप्लीट है। लेकिन जो मटेरियल की शीट है हमारी, जो कि हमने रॉयल्टी के लिए बनाई है, उसमें 8 आइटम नहीं है। तो इस शीट में वही आइटम लिए जाते हैं जिन्हें मटेरियल लगता है। आज के वीडियो में हम आइटम नंबर 9 देखेंगे, जो कि मुरूम के लिए कॉम्पेक्शन के लिए होगा। ये हमारे पास ड्राइंग है। तो यहाँ पर मुरूम देखो, यहाँ पे हमने ब्लैंकेटिंग के लिए भी लिया है और साइड शोल्डर के लिए भी लिया है। तो इसका कॉम्पेक्शन का आइटम लेते हैं। ये हमारे पास SSR एक्सेल में, और उसका जो SSR आइटम नंबर है वो 2.31, 2.31 ये है उसका यूनिट है ये, और ये उसका रेट है। इस आइटम को कॉपी करने से पहले मैं यहाँ पर एक बॉर्डर लेकर आता हूं, पेज लेआउट साइज A4। उसके बाद कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी करेंगे और कीबोर्ड से इसके प्रेस करके सिलेक्शन को छोड़ देंगे। ये 9 नंबर देखिए खुद आ चुका है। अगर नहीं आता है तो किस तरीके से लाते हैं इसे, यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल, यहाँ क्लिक करने के बाद +1 करके एंटर कर देंगे। यहाँ मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसे सिलेक्ट करके 2.31 कर देता हूँ। मैं इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। ये SSR है हमारा और ये आइटम चाहिए मुझे, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। यहाँ डबल क्लिक करेंगे और इसे इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करना है और इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करना है। स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसका मेजरमेंट दुरुस्त करना है हमें। मेजरमेंट दुरुस्त करने से पहले देखिए, ये जो रो हाइट है थोड़ी ज्यादा है, इसे कम कर लेता हूं मैं। एस्टिमेट का आइटम नंबर रेडी है, SSR आइटम नंबर रेडी है और उसका डिस्क्रिप्शन भी है और उसी तरीके से उसका यूनिट भी। यहाँ पर ये जो विड्थ है हमारी, ये 4 मीटर, ये टॉप की विड्थ है लेकिन ये बॉटम की जो विड्थ है ये 4.3 है, तो 4.3 मीटर है ये हमारा, 4 मीटर 300 mm। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ 4.3 4 मीटर 300 mm में यहाँ क्लिक कर लिया है। ये एक मेजरमेंट हमारा यहाँ दुरुस्त तो हो जाता है ये बॉटम का। अब मुझे ये और ये दो लगेंगे, दोनों साइड में रहेंगे, तो यहाँ पे एक रो की जरूरत रहेगी मुझे। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, होम टैब, इंसर्ट, इंसर्ट शीट रोज। तो आप देखेंगे जहां सिलेक्शन था उसके ऊपर एक रो बढ़ जाता है। मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा, कॉपी करेंगे और यहाँ क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। सिलेक्शन छोड़ने के लिए कीबोर्ड से इसके प्रेस करेंगे। यहाँ पर दो चाहिए तो यहाँ पे दो टाइप कर देता हूँ मैं। उसके बाद देखिए हमने जो सप्लाई किया था, तो यहाँ पर सप्लाई जब हमने किया था तो ये जो लेंथ है ये उतनी ही रहने वाली है, सप्लाई दोनों साइड का तो ये दो रहने वाला है। आइटम नंबर 3 के मुताबिक अगर हम उसे यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर अगर टाइप करेंगे तो इस तरीके से भी काम किया जा सकता है, कंट्रोल वी करेंगे। तो देखिए ये दो मिल जाता है हमें, ये एक मिल जाता है, ये लेंग मिल जाती है, ये विथ मिल जाती है, और ये जो दोनों को सिलेक्शन करके यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल वी कर देंगे। चेक करने वाले को ये आसानी से समझ में आ जाता है, ये ब्लैंकेटिंग के कॉम्पेक्शन का आइटम है और ये शोल्डर के लिए। यहाँ पे डबल क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं, यहाँ भी डबल क्लिक करके इसे चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसे चेक कर लेना होता है, गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। एस्टिमेट का ये 9 नंबर का आइटम का मेजरमेंट यहाँ रेडी हो जाता है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है और ये SSR आइटम नंबर है, ये यूनिट है और ये उसकी क्वांटिटी है। तो लेंथ हमारी फिक्स थी, ये विथ चेंज हुई है और ये शोल्डर के हिसाब से भी चेंज हुआ है। अब इसका रेड एनालिसिस देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे बॉर्डर के लिए, मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ क्लिक कर देता हूँ, तो जिसके से यहाँ बॉर्डर आ जाता है।
सिलेक्शन करेंगे, कॉपी, यहाँ क्लिक करता हूं मैं और पेस्ट कर देता हूँ, सिलेक्शन छोड़ने के लिए स्किप प्रेस कर देता हूँ। आइटम नंबर है हमारा एस्टिमेट का, यहाँ क्लिक करेंगे, मेजरमेंट, यहाँ क्लिक करके एंटर कर देंगे। ये डिस्क्रिप्शन है हमारा, यहाँ क्लिक करेंगे, इक्वल करेंगे, मेजरमेंट, यहाँ क्लिक करके एंटर कर देंगे, इक्वल, मेजरमेंट, यहाँ क्लिक करके एंटर कर देंगे। इसकी साइज देखो ज्यादा हो रही है, इसकी रो की हाइट कम करना है तो इसे ऑटो फिट कर देंगे। यहाँ क्लिक करते हैं, इक्वल, मेजरमेंट, यहाँ क्लिक करके एंटर कर देंगे। अब इसका रेट बदल देते हैं। ये आइटम हम कर रहे हैं, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ डबल क्लिक करता हूं मैं और सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल बी। इस तरीके से यहाँ पर ये रेड एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो जाता है। मटेरियल की शीट में हम काम नहीं करेंगे क्योंकि इसे मटेरियल नहीं लगता है। अब अब्स्ट्रैक्ट शीट बनाते हैं, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ क्लिक करता हूँ, जिसकी वजह से देखो ये डॉटेड लाइन यहाँ आ जाती है। सिलेक्शन करेंगे, कॉपी, क्लिक, पेस्ट, सिलेक्शन छोड़ने के लिए स्केप प्रेस करेंगे। आइटम नंबर लाना है मुझे, यहाँ क्लिक करेंगे, मेजरमेंट, यहाँ क्लिक करके एंटर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे, इक्वल, मेजरमेंट, यहाँ क्लिक, एंटर, इक्वल, मेजरमेंट, क्लिक, एंटर। क्योंकि हाइट को फिट करना है, फॉर्मेट, ऑटो फिट रो हाइट। यहां पर देखिए यूनिट होता है, इक्वल करेंगे, मेजरमेंट, यूनिट, इंटर। यहाँ क्वांटिटी होती है, इक्वल करेंगे, मेजरमेंट, क्वांटिटी, इंटर। यहाँ पर रेट होता है, इक्वल, मेजरमेंट के बाद में रेट एनालिसिस, यहाँ क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। मेजरमेंट से 1, 2, 3, 4, 5 चीजें आई है और ये रेट एनालिसिस से रेट आया है। इस तरीके से अब्स्ट्रैक्ट शीट भी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। ये हमारी अब्स्ट्रैक्ट शीट थी, ये हमारा मेजरमेंट शीट है, ये हमारा रेट एनालिसिस है और ये मटेरियल की शीट थी जिसमें हमने काम नहीं किया है। अब्स्ट्रैक्ट शीट, मेजरमेंट शीट और रेट एनालिसिस, इसका मैं पीडीएफ करके दिखलाता हूं आपको कि जो हमने आज आइटम किया है वो किस तरीके से दिखाई देगा। कंट्रोल पी करेंगे, एक्सपोर्ट पीडीएफ, इसे हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं इसलिए डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। फाइल का नाम हम 01 कर देते हैं, उसके बाद पब्लिश, यहां क्लिक करता हूं मैं, जिसकी वजह से ये फिट हो जाता है। ये अब्स्ट्रैक्ट शीट है हमारी जिसमें आज हमने आइटम नंबर 9 किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम नंबर 1 से लेकर शुरू है हमारा काम और ये आइटम नंबर 9 था जो आज हमने किया है। ये हमारी मेजरमेंट शीट है जिसमें हमारा ये 9 नंबर का आइटम आज हमने किया है। इसी तरीके से ये हमारा रेट एनालिसिस है जिसमें आज हमने ये 9 नंबर का आइटम किया है।